नागपुर में लोगों की मांग एवं दूसरे कामों के लिए घर से बाहर निकलने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। मेट्रो यात्रियों की संख्या में इस बढ़ोतरी को देखते हुए महामेट्रो नागपुर ने भी मेट्रो ट्रेनों की फेरियों की संख्या बढ़ा दी है। नागरिकों के लिए आखिरी मेट्रो सेवा 26 मार्च से रात 9:30 बजे ऑरेंज और एक्वा लाइन पर उपलब्ध होगी। नागपुर में मेट्रो की बढ़ती मांग और यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए महामेट्रो ने ट्रेनों की फेरियों की संख्या बढ़ा दी है। पहले ये सेवाएं रात 9 बजे तक उपलब्ध थी, लेकिन नागरिकों की मांग को देखते हुए इस सेवा को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत ऑरेंज और एक्वा दोनों रूटों पर यात्री सेवा सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक उपलब्ध होगी। हाल ही में नागपुर वासियों की मांग के अनुसार महामेट्रो ने सुबह 6:30 बजे दिन के पहले दौर का संचालन किया था। इन दोनों रूटों पर स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने वाले छात्रों या अन्य स्टाफ को इससे बड़ी राहत मिली है। कोरोना पर काबू पाने के साथ ही अब शैक्षणिक और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में संचालन बहाल किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में शिक्षा और अन्य काम के लिए घर छोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। इससे मेट्रो लाइन या आसपास के संस्थानों में पढ़ने वाले या काम करने वाले छात्र और कर्मचारियों की संख्या में बढ़त हुई है। साथ ही होटल और दुकानों जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों ने रात 9 बजे के बाद मेट्रो फेरी शुरू करने की मांग की थी। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए महामेट्रो की ओर से सुबह 9:30 बजे अंतिम दौर शुरू करने का अहम फैसला किया गया है। नया शेड्यूल 26 मार्च यानी शनिवार से प्रभावी होगा। इन बढ़े हुए राउंड से नागपुर वालों को निश्चित तौर पर फायदा होगा। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।